अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा शुरू है, बहुत बड़ा मैच है। और आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, भारत में तमाम टीवी चैनल्स पे इस तरह के ज्योतिषी लाके बिठा दिए जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि आज क्या होगा। आज मेरे पास भी एक ऐसे ज्योतिषी है जो है तो हिंदू लेकिन पाकिस्तानी है, और इन्होंने पूरी दुनिया में ही चिल्ले किए हुए, नेपाल, श्रीलंका और भारत में भी चिल्ला किया हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज ये आपको बताएंगे, हालांकि मैं नहीं मानता ये ज्योतिषी वोची को, लेकिन ये बताएंगे कि आज के मैच में क्या हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत के ज्योतिषी बताते हैं। आज ये बताएंगे कि न सिर्फ आज के मैच में क्या होने वाला है बल्कि भारत में क्या होने वाला है, और ये सब कुछ आज इनसे इनके उस तजर्बे के मुताबिक बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो अकीदा नहीं है, लेकिन ये बताएंगे आज भारत को उन्हीं की जुबान में, भारत की जुबान में, भारत का हिंदू ज्योतिषी है लेकिन है पाकिस्तानी, तो ये बताएगा कि क्या है। नाम क्या जी आपका? हल्ले तीतुरामा राउडी पंकज। हल्ले तीतुरामा राउडी पंकज। नेपाल में हमने चले किए, श्रीलंका में चले किए, भारत में चले किए हमने। हम बता सकते हैं मैच के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा हो रहा है, अगर चंद्रयान चांद से अगर 250 किलोमीटर पीछे रुक जाता तो आज का मैच भारत के नाम होना था। अच्छा, 250 किलोमीटर पीछे रुक जाता। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, भविष्यवाणी में बोलेगा बच्चे तो जला का थासम कर देंगे। मुझे आप नहीं जला सकते, आप इंडिया को जलाएं, वो मुझे बात बताएं मैच का क्या होगा। जलाने के लिए इतना ही काफी है कि रकीब को आपके मोहल्ले भेज दिया जाए। पाकिस्तान जीता नहीं है इसलिए नाचे मत। मुझे ये बताएं मैच में क्या होगा। मैच में भारत जीत सकता था अगर चांद से 250 किलोमीटर पहले अगर चंद्रयान रुक जाता। ये आपने क्या लिखा हुआ है, चांद सूरज, मत देखो इस पे मत देखो, भविष्यवाणी है ये। हल्ले तीतुरामा राउडी पंकज की भविष्यवाणी और गंगा मैया का पानी कभी गलत दिशा में नहीं जाते। करें। जब गली में खड़ी होगी राधा तो किरण की क्या औकात। मैच कौन जीतेगा? मैच पाकिस्तान। पक्की बात है पाकिस्तान जीतेगा? या कौन, या भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? या ना, या जीतेगा पाकिस्तान, या जीतेगी बारिश। अच्छा, पाकिस्तान जीतेगा या बारिश जीतेगी? पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया नहीं किसी सूरज जीत। आज मैं आपको बता दूं, अगर बाबर आजम की बारी आ गई तो बाबर तो हिंदुस्तान पे हमेशा भारी पड़ा है। थोड़ा सा सीरियस होके मेरे सवालात भी कुछ सुन लें। सुनाएं। आप पता नहीं किस किस्म के ज्योतिषी हैं, इस तरह का तो मैंने आज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कूद रहे हैं आप, बलांग रहे हैं, बात तो करने दे। मुआजना करके बता सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में कौन है वहां पे, बाबर आजम के मुकाबले में कौन है, रिजवान कोई ऐसा है उनके पास? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर वन टीम है। हाँ, ये करें और बताएं मुझे कि बाबर आजम के मुकाबले विराट कोहली आ सकता। कौन आएगा? आएगा मैं बता, मरीस, चांद, प्लूटो, श्रीलंका, तीनों जगह पे भारत हार चुका है। मरीख पे तो गया ही नहीं तो कैसे हार गया वहां पे? मरीख पे नहीं पहुंचा इसलिए तो हार गया वहां पे। अभी जो उधर आप जैसे सारे बैठे हुए हैं ज्योतिषी, जो माता जी बेइज्जती हो गई हमारी, ये हमारी बेइज्जती है, हमारा जैसा कोई ज्योतिषी भारत के पास मौजूद नहीं है। ठीक है, आप नंबर वन है, साबित करें अगर आज आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है। हमारी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित ना हुई तो हम ज्योतिषी का काम छोड़ के वापस इलेक्ट्रिशियन के काम में चले जाएंगे। ये क्या मतलब है आप? मतलब ये है कि ज्योतिषी इलेक्ट्रिशियन था पहले। ठीक है, आपकी एक करंट लगने से बापे को तारे नजर आने शुरू हो गए, तारों के अंदर लोगों की किस्मत का हाल नजर आना शुरू हो गया, और आज जो बाबा देख रहा है भारत का हाल बहुत बुरा, किस्मत बहुत बुरी है भारत। बाबर आजम के मुकाबले में कोई प्लेयर है उनके? कोई प्लेयर नहीं बाबर आजम के मुकाबले में, पूरी एक मिनट मुझे देखना है, कोई बात झूठी ना हो जाए मेरी। कोई प्लेयर बाबर आजम? विराट कोहली बहुत नामी गिरामी प्लेयर, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म भी करते हैं। विराट कोहली इश्क के चक्कर में पड़ चुका है, मरीख पे लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं। इश्क के चक्कर में शादी हो चुकी? शादी के बाद इश्क होता। अभी इस वक्त पाकिस्तान अब क्या समझते हैं, कितने रन वाजे बर्तरी होगी, अब मैच फंसेगा। चार दवाइयां आ गई है मेरे पास, जिसमें मैं बताता हूँ आपका, मरीख, चांद, प्लूटो और श्रीलंका, इन चारों की गवाही के मुताबिक पाकिस्तान चार विकेटों से ये मैच जीत जाएगा। चार विकेटों से ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। वेरी गुड। बाबर कितना स्कोर करेंगे इसमें? बाबर इधर नीचे हाथ रखे, कुछ नजर आया नीचे? कुछ भी नहीं है? ये ज्योतिषी को नजर आता है सिर्फ, हर किसी को नजर नहीं आता।
बाबर आजम जी, बाबर आजम 60 स्कोर करे, 60 60 स्कोर, 50 के ऊपर 10 और डाल, 60 स्कोर करे, 60 स्कोर करेगा, कम से कम बता रहे हैं, आपसे कम ही होंगे। लेकिन ज्योतिषी एक भारत में भी बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बुरी तरह मैच हार जाएगा। ये उनकी बेवकूफी है, ये उनके गलतफहमी है, ये नहीं हो सकता। आज हल्लेती तुरा मरौडी पंकज की प्रेडिक्शन याद रखना तुम, ये हमारी भविष्यवाणी है। ये देखा क्या है, ये ऐसे ही नहीं मिलता। ये 50 मैचों के अंदर बाबे ने फील्डिंग की है बगैर बैटिंग बगैर बॉलिंग के, उसके बाद जाकर इस ज्ञान को हम पहुंचे हैं और हमने ये पाया है कि पाकिस्तान ये मैच 4 विकेटों से जीत जाएगा, 4 विकेटों से जीत जाएगा, 4 विकेटों से जीत जाएगा, या बारिश ये मैच जीत जाएगी। ले जनाबे वादा, अगर इस ज्योतिषी की बातें दुरुस्त साबित हुई, पाकिस्तान ये मैच 4 विकेटों से जीता या जीत ही गया चले, तो ये आइंदा आने वाले तमाम मैचेस में ज्योतिषी को हम बुलाएंगे, वरना आपसे मैं आज यहीं पे माफी मांगता हूं, मैं दोबारा आपको कभी बुलाऊंगा नहीं प्रोग्राम। याद रखना, बालवे को खुजली होती है, राधा पनोती है। ये बात याद रखना, और शाहीन शाह अफरीदी जैसा बालर ही कोई नहीं है दुनिया में। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चंद्रयान चांद पे पहुंच गया है जी। उसका शाहीन शाह अफरीदी से क्या ताल्लुक है? उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो क्या? चंद्रयान का चांद पर जाना, मरीख पर ब्रेक ना लगाना, इस बात को साबित करता है कि भारत ये मैच हार चुका। आपको मैं बताता चलूं कि स्पेस में ब्रेक्स नहीं। आप कैसे ज्योतिषी हैं, आपको ये नहीं पता? हले रामा तीतू राउडी पंकज कहीं भी ब्रेक लगा सकता। अच्छा, आपकी अपनी जो ब्रेक नहीं लगा सकता। आपके पास शक्तियां? मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास मुक्तियां भी हैं। वो क्या होता? वो मैं आपको किसी वेले टाइम बताऊंगा। आज मैच की बात करो, क्रिकेट की बात करें। चले क्रिकेट की बात। जितनी फीस आपने ज्योतिषी को दी है उतनी बात पूछें, इससे ज्यादा पूछेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 रुपया मैं और दे सकता हूँ। 100 रुपया बढ़ जाएगा, मैं पतीसे वाला ज्योतिषी हूँ। बात को मुख्तसर करते हैं जी। प्रोग्राम में दोबारा ज्योतिषी तब आएंगे जब आज पाकिस्तान मैच जीतेगा। अपडेट्स इंशाल्लाह देखते रहते हैं जी। बहुत शुक्रिया।